हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट सम क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन वन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन वन है, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? आंसर विल बी, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। जो सारी सारी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, किसके लिए? लिविंग यानी कि जिंदा रहने के लिए, एंड ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर टू है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में मूवमेंट के कोई टू एग्जाम्पल्स बताइए। द टू एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स आर, जो प्लांट्स में मूवमेंट्स के टू एग्जाम्पल्स निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं वो? ए सनफ्लावर बर्ड टर्न्स टू फेस द सन। एक जो सनफ्लावर बर्ड होती है या कली होती है, सनफ्लावर का जो कली बोलते हैं उसको, बर्ड मिस कली होता है, वो सन की तरफ फेस कर लेती है। जैसे जैसे सन टर्न करता है वैसे वैसे ही वो भी सन की साइड टर्न करती जाती है। लीव्स ऑफ टचमी नॉट प्लांट, जो टचमी नॉट नाम का प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती है, क्लोज्ड व्हेन टच्ड, जब उनको टच किया जाता है तो वो क्लोज हो जाती हैं। तो इन टू एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि जो प्लांट्स हैं उनमें भी मूवमेंट होते हैं। राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में थ्री डिफरेंसेस बताने हैं, कौन कौन से होते हैं या किस तरीके से वो एक दूसरे से अलग होती है। आंसर विल बी, द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉलोइंग। ये निम्नलिखित है, डिफरेंसेस जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं वो निम्नलिखित है या फॉलोइंग है। अब आपको ऐसा करना है, ये लाइन लिख के अपनी नोटबुक में नीचे की साइड इस तरीके से पार्टीशन कर लेना पेज का, उसके बाद एक साइड लिविंग एंड एक साइड नॉन लिविंग थिंग्स है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि वन के आगे आपको इधर भी वन वाला पॉइंट ही लिखना है। अगर ये टू लाइन में आता है तो आपको ये वाला पॉइंट थर्ड लाइन से लिखना है, मतलब अगर एक लाइन बीच की स्पेस खाली रह रही है तो खाली ही रहने देना है। अब फर्स्ट है, लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, गति कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो चल फिर नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को भोजन की ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें भोजन की या खाने की ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती, उन्हें सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। वाई डू, आपको जैसे मैंने राइट किया है आपको उसी तरीके से अपनी नोटबुक में राइट करना है। थर्ड क्वेश्चन, वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में, या खाना जो होता है उसको सर्च करने के लिए क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डू यू नीड टू ब्रीथ। आपको सांस लेने की ज़रूरत क्यों होती है? नेम टू ऑर्गन्स दैट एनिमल्स यूज टू ब्रीथ। एनिमल्स के ऐसे टू ऑर्गन्स के बारे में आपको बताना है जिससे कि वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। वी नीड टू ब्रीथ टू लिव। हमें जीने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जी भी नहीं सकते। द टू ऑर्गन्स दैट एनिमल्स यूज टू ब्रीथ आर लंग्स एंड गिल्स। जो एनिमल्स सांस लेते हैं ऐसी जो टू ऑर्गन्स हैं वो हैं लंग्स और गिल्स। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन टू, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।